बच्चे आज हम 10th क्लास में एक एक्टिविटी पे नज़र डालेंगे। उसके जरिए हम स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट को समझेंगे। तो टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। टू सरफेस कर्व्ड होते हैं ना उसके, तो देखेंगे उसके बारे में क्या कुछ एक्सप्लेनेशन इस बुक में गिवन है। डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर। आप दोनों तरफ से देखिए कि आपको स्मॉल इमेज मिलती है, लार्ज इमेज मिलती है आपकी। उसके बाद आप पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। आप जिसमें आप अपने इमेज को देख रहे हो, आप उस स्पून को थोड़ा सा दूर लेकर जाइए। ऑब्जर्व द इमेज, क्या आपके इमेज पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जो इफेक्ट पड़ता है उसे आप नोट कर लिए। उसके बाद रिवर्स द स्पून, यानी कि जिस फेस से आप देख रहे थे अब उस फेस से नहीं देखना, आपको सेकेंड वन से देखना है। रिपीट द एक्टिविटी सेम, जैसे आपने ऊपर फर्स्ट सरफेस के साथ किया था वैसा ही आपने अब सेकेंड सरफेस के साथ करना है। अब आपको इमेज कैसी दिखाई दे रही है, ठीक है? और दोनों में कंपैरिजन करिए कि फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस से अगर आप देख रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको मिले। तो मैं बच्चे आपको बता दूं, जैसे ये स्पून है तो स्पून में ये लेफ्ट साइड जो आपको दिखाई दे रही है ये कनकेव मिरर को इंडिकेट करती है। इसे हम बोलते हैं इनर शाइनिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? इनर शाइनिंग सरफेस। तो इनर शाइनिंग सरफेस इज कनकेव मिरर, याद रखना, ठीक है? और आउटर शाइनिंग सरफेस जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है? तो कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून रेफर टू ए टर्म कर्व्ड मिरर। और कर्व्ड मिरर, हमारी फिजिक्स में जो कर्व्ड मिरर को इंडिकेट करता है वो है स्फेरिकल मिरर। यानी कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। तो स्फेरिकल मिरर है क्या, उस पर डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल मिरर ए हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी कि हाईली पॉलिश्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे वो कन्वेक्स का है चाहे वो कनकेव है, यानी कि इनर है चाहे आउटर है, ठीक है, वो एक तरह से पार्ट है एक स्फेयर का, होलो स्फेयर का। जैसे अगर आपके पास एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, और आप उसे बीच में से कट कर दें या थोड़ा सा साइड में कट कर दें, तो जो हिस्सा आपको कटिंग के बाद मिलेगा वो एक मिरर की शेप का है, जैसे कि आपको स्पून में साइड दिखाई दे रही है, यस और नो? तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज कनकेव अनदर इज कन्वेक्स। उस पर डिस्कस करेंगे तब आपको ये जो डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर की इजिली समझ में आ जाएगी, कैसे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर एक होलो स्फेयर का पार्ट माना जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर, इट इज ए स्फेरिकल मिरर विद द कनकेव और इनर सरफेस एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि कनकेव मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर है और उसमें जो इनर सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं, ठीक है? और रिफ्लेक्शन उसी सरफेस से होगी क्योंकि शाइनिंग सरफेस इनर लिया है हमने, ठीक है? इट इज सिल्वर्ड ऑन द कन्वेक्स और आउटर साइड। द इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनकेव मिरर। तो जैसे कि आपको ऊपर मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि इनर सरफेस क्या है, कनकेव है, बताया था ना? आप दोबारा देख सकते हैं कि जो इनर सरफेस है वो क्या है, कनकेव है, और आउटर सरफेस कन्वेक्स है। तो हमने यहाँ पे कहा है कि अगर हम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इनर सरफेस और स्पून की तरह यानी कि बना दें तो उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज स्फेरिकल मिरर विद द कन्वेक्स सरफेस। वो ऊपर वाले जो आपने पढ़ा है वो क्या था, कनकेव सरफेस या इनर सरफेस। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कन्वेक्स सरफेस और द आउटर सरफेस, यानी कि बल्जिंग कट सरफेस यानी कि आउटर सरफेस, ठीक है? एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिस स्फेरिकल मिरर में हम आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ट्रीट करें उस मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जिस स्फेरिकल मिरर में हम इनर सरफेस को एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं तो उस मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है?
आपने देखा है ना मिरर जो हम घरों में भी यूज करते हैं, हालांकि वो प्लेन मिरर होता है लेकिन उसमें एक सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग होता है जहां से हम देखते हैं, और दूसरी साइड अगर देखी जाए तो वो पॉलिश्ड होती है। कई बार आप मिरर देखते हैं ना टूट जाता है, तो एक साइड तो हम देख पाते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और जो दूसरी साइड है वो पॉलिश्ड होती है, यानी कि उस पर कोटिंग होती है ना, तो उसको हम सिल्वर्ड नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक साइड रिफ्लेक्टिंग दूसरी साइड सिल्वर्ड यानी पॉलिश्ड। ठीक है, अच्छा अब इस पे डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप आइडेंटिफाई जरूर करें, इसको बड़े ध्यान से समझें क्योंकि इसी के बेसिस पे ही आप आगे पूरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये कन्वेक्स है ये कॉनकेव है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, तो इसलिए बड़े डीपली इसको समझें। देखें आप इस मिरर में, ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो पाएगी, लेफ्ट साइड से, और जहां आपको ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यानी कि बाहर इस तरीके से डैश डैश हमने दिखा रखा है, तो ये जो है इसका मतलब है ये सरफेस पॉलिश्ड है। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई करिए कौन सा मिरर हो सकता है। ये मिरर कनकेव है क्योंकि इसमें इनर सरफेस पॉलिश्ड है, ओ सॉरी, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और आउटर सरफेस पॉलिश्ड। ठीक है, तो मैंने आपको कनकेव मिरर की स्टेटमेंट बताया था कि वो स्फेरिकल मिरर जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, और बाकी याद रखने के लिए आप किस तरीके से समझ सकते हैं, स्पून की तरह इसको आप लेकर चलिए। स्पून में अगर हम स्पून की शेप दें तो आप देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन इनर साइड से हो पाएगा ना, तो वो कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा। और दूसरी साइड से अगर आप देखें तो अब स्पून की तरह ट्रीट करो, स्पून में अगर हम इसको स्पून की तरह लेते हैं तो इसमें इनर साइड जो है वो पॉलिश्ड है यानी कि आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो ये आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसको एक आर्क की फॉर्म में ट्रीट करूँ यानी कि एक स्फेयर का एक पार्ट की तरह ट्रीट करूँ, स्फेयर के एक पार्ट की तरह ट्रीट करूंगा, तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो कंप्लीट एक क्या बन रहा है, स्फेयर बन रहा है। अगर मैं इसको एक स्फेयर के पार्ट की तरह ट्रीट करूं तो अगर पूरा ड्रॉ करने के बाद ये कंप्लीट स्फेयर बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर ना, है ना। अब इस स्फेयर में एक सेंटर भी होगा, तो उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम बोलते हैं बेटा पोल, क्या बोलते हैं, पोल, POLE, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज मिरर इज ए पार्ट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है उस स्फेयर का जिसका मिरर एक पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से इस पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसे क्या कहेंगे बेटा, रेडियस कहेंगे, तो लेकिन यहां पर हम इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड हाउ कैन यू डिफाइन इट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर हुज मिरर इज ए पार्ट। ओके, अच्छा अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं तो इसे क्या कहेंगे, द एक्सटेंडेड लाइन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इफ वी एक्सटेंड द लाइन विच मीट्स सी एंड पी देन दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एक्सटेंडेड ऑन आइदर और बोथ साइड्स, यानी कि एक तरफ से या फिर दोनों साइड से अगर हम एक्सटेंड कर दें तो उस पी और सी को मिलाने वाली लाइन को अगर हम दोनों साइड से एक्सटेंड करें या एक तरफ से एक्सटेंड कर दें तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अच्छा एपर्चर क्या होता है, एपर्चर का मतलब है कि लीनियर लेंथ कितनी है मिरर की, यानी कि एम और एन को सीधा मिला दीजिए। ठीक है, एम और एन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये सीधी लाइन जो है वो एक लीनियर लेंथ शो करेगी किसकी,
मिरर की, है ना, तो उसको हम कहते हैं एपर्चर। मीन्स द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो एम एन किसको शो करता है, एपर्चर ऑफ द मिरर को। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, पोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इससे आप बेटर तरीके से समझें और एक बार रिवाइज भी करें और इसको नोट भी करें। सेम प्रोसीजर यहाँ कन्वेक्स मिरर में भी है। डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई हैं इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।